हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है बच्चों? द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ड्यू टू डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है बच्चों, कि हम कोई भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लें, उसको हम सॉल्यूशन में डिजोल्व करें और जो उनके आयन है क्या होगा, कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा, है ना बच्चों। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से, ठीक है। तो डी वाई हकल और ऑन सेगर ने क्या बताया कि भाई उन्होंने एक रिलेशन दिया किसके बीच में, लैम्डा एम एंड द कंसेंट्रेशन के बीच में, मोलर कंडक्टेंस एंड कंसेंट्रेशन के बीच में उन्होंने रिलेशन दिया। वो किस तरीके से दिया बच्चों, तो ये ग्राफ की हेल्प से हम समझते हैं इसको। अंडर रूट सी के होता है इस तरीके से यहाँ पे, है ना, सी मतलब कंसेंट्रेशन और ये मोलर कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे बच्चों, देखना ध्यान से कि कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज करती है, और सिमिलरली जब हमारे पास क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो इस तरीके से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या करती है, कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने से इंक्रीज कर रही है, वो उसका रीजन क्या होता है? तो बच्चों मोलर कंडक्टेंस क्या है, नंबर ऑफ आयंस की हेल्प से हमें क्या होता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे हमारे सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, उतनी ज्यादा लैम्डा एम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होती है, क्या होता है बच्चों, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, तो डाइल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि भाई डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, ज्यादा डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देता है, कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, कोई भी आप ए मान लो, कोई भी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इनिशियली जब हमारे कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा थी तो ये कम डिसोसिएट हो रहा था, माना कि बस 0.1 इस तरीके से, या 10% डिसोसिएट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। बट अब कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जा रहे हैं तो इसका डिसोसिएशन क्या हो गया बच्चों, 20% हो गया, क्या हो गया इसका डिसोसिएशन, 20%। तो डिसोसिएशन इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, तो उस वजह से क्या होगा बच्चों, आपका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे बिल्कुल, पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेंगे बच्चों, डिक्रीज होंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे डाइल्यूशन से, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। और यही मेन रीजन है कि जो हमारा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है ड्यू टू द डाइल्यूशन, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों रीजन, एक ये भी होता है कि आयनिक मोबिलिटी, जितना ज्यादा आयन इजीली मूव कर पाएगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, मोलर कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, तो आप वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या है कि भाई एक आयन आपका यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे, एक आयन आपका यहाँ पे, बट इनिशियल क्या था, एक आयन आपका यहाँ था, एक आयन यहाँ पे था और एक आयन यहाँ पे था, तो इनके बीच में अगर आप देखो डिफरेंस कम कम है, दूर दूर नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो जब ज्यादा दूर दूर नहीं है तो बच्चों यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम, तो अब यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए भी हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, स्टेटमेंट सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, ये आपका गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि दोनों ही सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग तो ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।